हेलो गाइज, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ सोया मेथी का, बहुत ही टेस्टी और यम्मी, मुंह में पानी आ जाए ऐसा रेसिपी तैयार करने, जो आप लोग काफ़ी पसंद आएगा। इसके लिए मैंने आधा केजी के लगभग सोया मेथी लिया है। मेथी आप अधिक ले, सोया थोड़ा कम ले। मैंने 3 गड्ढी मेथी लिया है और 1 गड्ढी के लगभग मैंने सोया लिया है। सोया की अधिक मात्रा अच्छी नहीं लगती है खाने में, टेस्ट भी खराब हो जाता है। यहाँ मैंने 5 से 4 आलू लिए हैं, जिसको मैंने कट कर लिए। पानी में डाल दे, नहीं तो वे काला हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ इस तरह से डाली हुई हूँ। यहाँ मैंने अदरक लिए हैं 1/2 इंच के टुकड़े को कद्दूकस कर लिए हैं। यहाँ लहसुन के 10 से 12 कलियाँ लिए हैं। प्याज 1 मैंने बड़े साइज़ का लेकर कट कर लिए हैं। यहाँ हरी मिर्च 4 है, 4 से 5 ले, उसे भी मैं ही में कट कर ले। तो चलिए मैं सोया मेथी को 2 से 3 पानी में अच्छे से धुले, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी होती है, तो इसे मैं धुल लेती हूँ पानी। आप देख सकते हैं इधर मैंने पानी ले लिया है 2-3 ग्लास के लगभग। उसमें अच्छे से इस तरह से डुबो करके इसे अच्छे से छान ले, इसे 2-3 पानी से इसी तरह से धुले। इधर मैंने गैस ऑन कर दिए हैं, कढ़ाई गर्म कर रहे हैं। उसमें बस सबसे पहले आप आलू को 1 चम्मच तेल डाल करके फ्राई करें। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ तेल गर्म हो जाने पर इसे डाल दिया। तेल फ्रेन से इसे अच्छे से फ्राई करें चलाते हुए, जिससे वो लगेगा नहीं और अच्छे से गोल्डन होने का काफ़ी अच्छी तरह से इसे चला के वो फ्राई करें। बीच से गैस को मीडियम फ्लेम कर दें। आप देख सकते हैं कि आलू बिल्कुल ब्राउन हो चुका है और ये इस प्रोसेस से आप इसे निकाल लें। इस तरह से निकाल करके इसमें सबसे पहले आप इसमें डाले जा लहसुन जो कट किए हैं उसे डाल करके अच्छे से ब्राउन होने दें। उसके बाद में आप अदरक डालें। तो चलिए मैं इसे, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ आलू निकाल लिए हैं, चुटकी भर मैंने हींग लिए हैं, इसे भी आप इसमें डालें। तेल गर्म है तो चलिए इसमें सबसे पहले मैं मिर्च और हल्दी लहसुन में डाल लेती हूँ इसे ब्राउन होने के मिला चलाए और इसे ब्राउन होने के इस तरह से इसे ब्राउन होने के मैं इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक और उनमें ऐड करूँगी और इसे भी धुलूँगी। इधर आप देख सकते हैं मैंने सोया मेथी को अच्छे से धुल लिया है। इसी तरह से आप भी धुलें, 2-3 पानी से धुलें, नहीं तो ये इसके अंदर बालू बहुत होता है जो खिचखिच लगने लगे खाने में, स्वाद को ख़राब कर देगा। तो चलिए इधर आप देख सकते हैं ब्राउन होने वाला है, इसमें आप भी ऐड कर दें। इस तरह से फ्लेम को मीडियम और लो रखकर तेज न करें, देखो ये जल जाएगा तो स्वाद अच्छा नहीं हो पाएगा। इस तरह से आप भी बनाएं, फिर मान बहुत ही टेस्टी और यम्मी होते हैं। आप लोग भी इसे ज़रूर बनाएं। तरह से अच्छा मैंने इसे प्याज भी ऐड कर दिए हैं और इसे आप अच्छे से चलाते रहें। इस तरह आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से भून चुके हैं, ब्राउन गोल्डन कलर हो चुका है। अब आप इसमें सोया मेथी जो है इसे आप थोड़े थोड़े करके डाल दें, ढके इसके नहीं अभी नहीं चाहिए, डाल जाएंगे पानी ज़्यादा ज़्यादा और अच्छे से भुनाएंगे नहीं तो टेस्टी नहीं बन पाएंगे। इस तरह से आप इसे डालते रहें, छोटा जल जाएगा तो और कद कर लें। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गल रहे हैं, इस तरह से हल्के आधे लगभग पक चुके हैं ये इसमें। अब आप 1 से 1.5 चम्मच के लगभग नमक ऐड कर दें, 1 चम्मच से अधिक न ऐड करें, क्योंकि ज़्यादा नमक खाने में अच्छी नहीं होती है। और इसे अच्छे से आप मिला लें और उसके बाद में 2 मिनट के बाद में आप इसे ढक दें, इस तरह से ढक्कन लगा दें और मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से पकाए। उसके बाद आप इसमें आलू डालें, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गल चुके हैं। अब आप इसमें आलू डाल करके इसे 2 मिनट के लिए डालें, क्योंकि आधी फ्राई हो चुकी है आलू, ये अभी अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। नमक मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा ज़्यादा नहीं डाल दिया था। अब इसे ये देखिए सोया मेथी की सब्ज़ी बनकर तैयार है बिल्कुल नए तरीके से। आप लोग भी इसे बना, बहुत ही स्वादिष्ट